जिया, क्या बात। साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी एक नई विरहा हिंदुस्तान के जिगर पे जो वार हुआ है, छत्तीसगढ़ में 22 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं नक्सलियों के हमले में, उस जवानों को सदा सुमन अर्पित करते हुए इस विरहा को आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये हिंदुस्तान है और इस देश की हर एक माँ एक ऐसे बेटे को जन्म देती है जो जरूरत पड़ने पर अपने सीने पर गोली खाएगा। मरते मरते इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। भूमिका से शुरुआत बा बिरहा का, तनिक गौर करेंगे। नई बिरहा हमारे गया कवि के कलम का ई लेखनी हो आपके बीच में प्रस्तुत बा। कैसे वाह, सियासत से है। अरे देश का बच्चा बच्चा तो तैयार है, अरे खून से खून का दाग धोएंगे हम, सोलंकी गया की ये ललकार है। कलम में कितनी बारूद हो, अरे खून से खून का दाग धोएंगे हम, सोलंकी गया की ये ललकार है। गोली का जवाब देश के हुक्मरानों, देश की बागडोर जिनके हाथ में है, सुन लो। सरहद पे गोली का जवाब बोली से नहीं दिया जाना चाहिए, गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। रोज जवान शहीद हो रहे हैं, छाती देश की रोज फटती जा रही है और रोज आतंकवादी उग्रवादी नक्सलवादियों का मंसूबा मजबूत होता चला जा रहा है। जरूरत है डू एंड डाई की और खुलकर उनके छाती पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराने की। देशभक्ति भी रहा है, फौजी जवान का भी रहा है। ये बिरहा में बिल्कुल नई कव्वाली बारे कवि आदरणीय गया कवि के कलम से, कव्वाली या कव्वाली का भाव दोनों तनी सुनल जाई। सुंदर कव्वाली के लाइन में कैसे लिखने वाले की गजब की कारीगरी है। साबरी साहब की यह गजल है और यह गजल साबरी साहब दिल्ली के लाल किले पर गाए थे। ये धरती माँ है मेरी, अलल ऐलान लिख दे
मेरी इस जिंदगी के हिस्से में एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, ये दुनिया जान जाएगी। मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू अपना देंगे वतन के लिए। क्या बात, अरे लहू अपना देंगे वतन के लिए, वतन के लिए मेरी जान जाए चमन के लिए, मेरी जान जाए चमन के लिए। सैल्यूट करते हुए वीर गति के प्राप्त जवानों को कवि की कलम एक लाइन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखती है। का मरता है जो भी वतन के लिए। क्या बात, मरता है जो भी वतन के लिए, वतन के लिए लिए दिल में इच्छा चमन के लिए, लिए दिल में इच्छा चमन के लिए। एक लाइन और कवि लिखलन, कफन ओढ़ ले वतन के लिए, अरे कफन ओढ़ लेता वतन के लिए, वतन के लिए लिए दिल में इच्छा चमन के लिए, लिए दिल में इच्छा चमन। घटना ने पूरे वतन को झकझोर करके रख दिया। बिरहा सुनने वाले प्रेमियों भाइयों, जो भी गीत मेरी आती है आप सुनते हैं, सम्मान प्यार आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जरा सुनिए इस बिरहा को, कलेजा कांप जाएगा, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। ये पैगाम है एक एक जवान के शहादत का बदला लिया जाएगा। ये हमारे देश के हुक्मरान कहते हैं, कब लिया जाएगा साहब। कभी की कलम सवाल करती है, बिरहा का शुरुआत हो गई, सैर लग गई, कैसे मास्टर। आजादी का चराग, सब चलाने वाले देश खड़ा है, देश खड़ा है आके ऐसे मुहाने पर, देश खड़ा है आके ऐसे मुहाने पर, चलेगा दीप कैसे दीप के ठिकाने पर। सरहद की अब उम्मीद घिरी, खौफ के साये में सरहद की अब उम्मीद घिरी, वही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जमीन घिरी।
नक्सली देश में फिर मौत का पैगाम दिए। आजा साहब, बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंदर जोनागुड़ा में, तनी सब बात पर गौर करेंगे, कहानी अस्पष्ट आपके बीच में रखूंगा। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और मैं हमेशा प्रयास करता हूं आपके बीच में जो भी कहूं पूरे स्पष्टीकरण के साथ कहूं। शुक्रवार की रात 2000 जवानों के साथ ये सूचना मिली थी कि नक्सली बीजापुर जोनागुड़ा के अंदर नक्सलियों का एक भारी समूह कायम कर रहा है और वो नक्सली इस देश में अपने नापाक इरादों को सफल करने की योजना बना रहे हैं। खबर मिला लिया जिसको पूरा देश और दुनिया जानता है, और जब खबर मिली तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, और जब अभियान चलाया गया तुर्रेम उसुम व पामेड व सुकमा के मिनपा व नसारपुर क्षेत्र में टारगेट बना करके भारत के हमारे जवान चलते हैं, और जब चलते हैं वो समय का भावा भी रहा में तरज लग गई। कैसे मास्टर? ए भैया ये तरज जो नासर बजावत हो, दूगो आशिक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का बात हो, दिल से आवाज निकलती है लेकिन कुछ शिकायत हो, का शिकायत हो? छूती हलाई सन की बानी पकलाई, सरी लगाता तू पटास मुए खातिर रेडी हम, ओ हो हो क्या बात, साहब जरा गौर करिए भारत के जवानों को जब ये सूचना मिली, ये जानकारी हुई कि छत्तीसगढ़ में हिडमा और सुजाता ये दो नक्सलियों का बड़ा नाम है, मोस्ट वांटेड नक्सली है ये, इनके ग्रुप इनके टीम के लोगों के द्वारा कैंप किया जा रहा है। अंजाम का निकलल फोन से खबर या सिविरिया में आई, फोन से खबर या सिविरिया में आई, मैसेज हो गया हर टोली से, मैसेज हो गया हर टोली से, छान मारो जंगल का हर कोना कोना, छान मारो जंगल का हर कोना कोना, भून डालो सालों को गोली से, छान मारो जंगल का हर कोना कोना, भून डालो हो गए, और जो ही एक्टिव हुए तैयारी हो गई एक ऐसे मुहिम के लिए, एक ऐसे सफल ऑपरेशन के लिए जो इस देश के खिलाफ था। हुआ क्या, जवान तैयारी करते हैं कैसे, वो अपन कस के सामान रेडी भाई ले जवान, जवानों ने
बोली भाई ले जवान हो कब्र में शैतान कब लेना है जान। जब किसी मिशन पे चलती है, किसी टारगेट पे चलती है, तो फौज का एक अपना रूट चार्ट तैयार होता है। तैयारी कैलन जवान चल दिलन, और जब चलन ओ समय के भाव विराम में तरद लग गल कुछ दूर बढ़ल हवन, और जब बढ़लन तब भइल का बाबू तरज है, तरज ना है। आजकल यूथ के लोगन का एनर्जी है, बड़की बड़की मोबाइल में हेडफोन का लीड लगा के काने में लोग लगा ले जाता, मस्ती में लोग सुनत चलत बा। मेहरारू अब मर्द में सवेर होत होत बिगड़ा बिगड़ी हो गई। मरद कहलस कि इतना सवेरे सवेरे कहे इतना खुरी आई लई, मेहररुआ कहले रहल का कहलस कोरा में सात के कोरा में सात के उलाट के पलाट के देले बाला दहिया तूरी हो। बना ले तो कहले रही तक गनीमत रहला, कोरा में सट के उलट के पलट के ओकरे बादो लिखा गइल देले वाला दहिया तूर हो। अगली लाइन खतरनाक हो, बिजली के तार में भतारिया झुरैला, बिजली के तार में भतारिया झुरैला, मन मन कैला मजबूर हो। जवान इस भारत का जब अपने मिशन पे चलता है, जवान जब अपने लक्ष्य के तरफ चलता है वर्दी पहनकर, तो उसके आंखों में केवल एक फोटो होता है, वो चेहरा होता है दुश्मन का, वो चेहरा होता है दुश्मन का, कहीं नजर पड़ जाए सीधा है जवान की गोली उसके सीने को बेवस्त होते हुए इस पार से उस पार निकल जाएगी। कितना बड़ा हमरे गया कभी भाव लिखला देखाई बारूद हो भाव ना हो, एक गोला कहल जाई, एक रॉकेट लॉन्चर कहल जाई। कितना मजबूत लाइन लिखला काला नागबान के
कमकोनो पतिया का नाही, कमकोनो पतिया का नाही, घटिया में कुदले जवान, कमकोनो पतिया का नाही, घटिया में कुदले जवान, जंग के जंग क्या था? नक्सलियों से मुकाबला था। चुनौती क्या थी? जो हमारे भारत के जिगर पर हमारे ही देश में घुस करके रह करके और हमें नस्तनाबूद करने का काम करते हैं। ऐसे नापाक इरादों को कुचलने के लिए भारत के जवान चलते हैं। सभी जवान सीधा 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 शनिवार को दोपहर पेट्रोलिंग करते हुए टीम तैरम के तरफ रवाना हुई। घात लगा करके बैठे थे नक्सली और नक्सली देख रहे थे कि भारत के जवान आ रहे हैं, लेकिन जवानों का पोजीशन क्या था? सबके राइफल का गोली, ये जवानों का टारगेट था, सबके राइफल का गोली, खेली खूनावा का होली, बढ़ी मिशन में आगे, अरे रंगबाजों की टोली, घेरा बंद वही में फौजी घेराई गई ले, घेरा बंद वही में फौजी घेराई गई ले, उल्टा हो गई ले पलान, कमकौनो पतिया का नाही, कमकौनो पतिया का नाही, घटिया में कुदले जवान, कमकौनो पतिया का नाही, घटिया में कुदले जवान, कमकौनो पतिया का नाही। जिन नक्सलियों के खिलाफ हिंदुस्तान के जवान, जिन नक्सलियों के मंसूबे को नापाक करने के लिए भारत की फोर्स, भारत के ऐसे जाबाज बहादुर सिपाही उस मिशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मोस्ट वांटेड नक्सली है, मोस्ट वांटेड नाम जिसका है हिडमा, और उसके साथ एक महिला भी है, दोनों पेटेंट आदमी है आपस में, जिसका नाम है सुजाता। लगभग लगभग 400 नक्सलियों के साथ हमारे जवानों को तीन तरफ से घेर लिए। जवान समझ नहीं पाए, लेकिन यही तो हिंदुस्तान की मिट्टी है और यही तो हिंदुस्तान के खून का असर है। तुम वार भले ही पीठ पे करोगे, लेकिन याद रखना शरीर में एक सेकंड का भी अगर प्राण बचा रहेगा और कहीं भूल से अगर मूव कर गए जवान, तो तेरे एक गोली चलाने के वक्त में ही 1000 गोली तेरे शरीर को छेद के इस पार से उस पार निकल जाएगी। मामला पलट गया, बाजी पलट गई। जो योजना और जो जिस योजना के तहत भारत के जवान घुसे थे नक्सलियों से निपटने के लिए, ये सारा मामला फेल कर गया। कारण क्या था? हुआ क्या बाबू? बिरहा में तर्द लग गई। कैसे मास्टर? भारत के जवान उस घाटी के अंदर प्रवेश कर गए। पहाड़ी है, चारों तरफ से घिरी हुई है। भारत के जवान डिवाइड में है, कुछ संख्या में कहीं, कुछ संख्या में कहीं, लेकिन आप
जरा गौर करिए, 400 से ज्यादा नक्सली छत्तीसगढ़ में उस बीजापुर में जहां हमारे जवान शहीद हुए थे, 400 से ज्यादा नक्सली तीन तरफ से हमारे भारत के जवानों को टारगेट कर ले लिए, निशाने पर ले लिए। और निशाने पर लेकर के किए क्या बाबू? अरे सारे मंदसू बाबू पर फिर गई ले पानी हो, घिर गए हैं हमारे जवान, नक्सलियों को देख नहीं पा रहे हैं। अचानक हुआ क्या? धोखा में जवान बनके, धोखा में जवान बनके बदलल कहानी हो, बदलल कहानी हो। गोली खा के मर ले पाइस को जवनवा भैया हो, अरे गोली खा के मर ले पाइस को जवनवा भैया हो, टूटल कमर खबर पढ़लस हिंदुस्तानवा भैया हो, टूटल कमर खबर पढ़लस हिंदुस्तानवा भैया हो, अरे टूटल कमर खबर पढ़लस हिंदुस्तानवा भैया। अचानक तीन तरफ से योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों ने घेरा है हमारे भारत के जवानों को। अभी जवान अपने टारगेट के तरफ, अपने लक्ष्य के तरफ, आगे के तरफ बढ़ रहे हैं लेकर के पोजीशन अपने हथियार को। स्वचलित हथियार है भारत के जवानों के पास, आगे के तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तब तक ऊपर से नक्सली तीन तरफ से घेर करके और आधुनिक हथियारों से, मशीन गन से तड़ भारत के जवानों को टारगेट बनाते हुए गोलियां चलाना चालू कर दी। लाश पानी के गिरा ले, लेकिन गोलियां अचानक चलना चालू हो गई। पेड़ों की आड़ में छिप करके हमारे जवान अपने आप को बचने का प्रयास कर रहे हैं और जवाबी फायरिंग भी कर रहे हैं। लगातार जवानों की लाशें धरती पर गिरती चली जा रही है, लेकिन बाहर भारत के जवान मंसूबे पस्त नहीं है, हौसले बुलंद हैं। गिरने के बावजूद भी उनकी मशीन गने वापसी में गोलियां चलाना चालू करती है। कैसे मास्टर? लाश पानी के गिरा ले मारी, बारह के गिरावा ले, टूटल कमर खबर पढ़लस हिंदुस्तानवा भैया हो, टूटल कमर खबर पढ़लस हिंदुस्तानवा भैया हो। तड़ 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 नक्सलियों की गोली के शिकार लगातार हमारे जवान हो गए। लेकिन तब तक कुछ हमारे जवान समझ गए थे हमला किधर से हो रहा है, जवाबी फायरिंग हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। 12 नक्सलियों को मार के गिराने का काम किया हमारे जवानों ने। अब आप समझिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। नक्सली ऐसे जगह पे छिपे हैं जहां से
आराम से आसानी से हमारे जवानों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जवान 12 नक्सलियों को मार के गिराए। लगातार हेलीकॉप्टर से, जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है वो लगातार ऊपर मंडरा रहा है, सूचना हो चुकी थी, लेकिन लगातार गोलीबारी के चलते वो हेलीकॉप्टर जमीन पे नहीं उतर पा रहा था। आप जरा गौर करिए, गोलीबारी खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उतरता है। जवान अपने शहीद हुए जवानों को पकड़ के हाथ पैर स्ट्रक्चर जो उतारा गया था उस पे रख करके और अपने जवानों को हेलीकॉप्टर में लाद लाद के हेडक्वार्टर और हॉस्पिटल भेजना चालू करते हैं। तब तक पूरी फौज आ गई थी, पूरे देश में कोहराम मच गया। हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी पा चुका था और सबके रगों में खून हाई प्रेशर में दौड़ना चालू कर दिया था। लोग ये आवाज देना चालू कर दिए थे कि अब तो हद हो गई, बर्दाश्त से बाहर की चीज हो गई। लगातार भारत के जवान मारे जा रहे हैं, कहीं नक्सलियों के हमले में, कहीं आतंकवादियों के हमले में, कहीं उल्फा के उग्रवादियों के हमले में, और अब हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, अब हमें सीधे डू एंड डाई करके लड़ना पड़ेगा। खत्म करो नक्सलियों को। अच्छा, ये नक्सली है क्या? मैंने गा दिया, आपने सुन लिया। ये बिरहा कई कलाकारों से आप सुनेंगे, सुनने को मिलता होगा, मिलेगा भी। नक्सली कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ते हैं, हम बाहर के दुश्मनों का कलेजा चीरते हैं, लेकिन ये नक्सली कहीं और के नहीं हैं, इसी देश के हैं। वो नक्सली कैसे बने ये आपको पूरी जानकारी होगी, बिरहा में बताऊंगा, बिरहा बड़ा लंबा हो जाएगा। नक्सलवाद एक ऐसा चीज है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हम नक्सलियों से साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे देश के जवानों का खून बहाओगे तो ये देश, ये भारत, ये हिंदुस्तान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हम तुम्हारे हर एक गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार हैं। बिरहा में टेरी लगल मातम मचल बा पूरा देश में। कैसे? अरे घाटी में खूनी शाम हो गई, अरे घाटी में खूनी शाम हो गई, अरे शहीदों की टोली से सजा मोक्ष मैदान, अब तो ये भैया भारत का जवान अपने साथियों का डेड बॉडी, अपने शहीद हुए फौजी भाइयों का डेड बाजी वही जंगल में, वही पहाड़ में घूम घूम के ढूंढ रहे हैं, घूम घूम के जोह रहे हैं कि कहां मेरा साथी है जो दुश्मनों के गोलियों का शिकार हुआ है। लिखल गए कैसे मास्टर? झरा झरा बरसला आसिया, साथ के संग
खोजले सिपाही मिलके रतिया बिरतिया पूरा देश में साहब केवल कलाकार नहीं हूँ, कलाकार तो हूँ लेकिन थोड़ी बहुत हमेशा इस देश का होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करता हूँ। आज की जो मीडिया है, ये मीडिया हमेशा इस समय जो वर्तमान कंडीशन है टेलीविजन आप देखिए टारगेट बनाकर चल रही है। पहले खबरें छप के तब मार्केट में बिकती थी, अब खबरें बिक कर तब अखबार में छप रही हैं। राजशाही अगर दिखाना है तो दिन भर दिखाया जाएगा। फला आदमी ने फला जगह भाषण दिया, फला आदमी के सभा में अगर 50 लोग हैं तो कंप्यूटर से 50,000 बना दिया जाएगा। फला आदमी ने यह बात कहा, देश के जवान शहीद हो रहे थे और टेलीविजन पे छोटा छोटा न्यूज आ रहा था। टीवी वालों, अखबार वालों, पता करो जिसके घर का बेटा गया है, जिस बहन का भाई गया है, जिस पत्नी का पति गया है और जिन बच्चों के सर से बाप का साया उठा है, जाकर पूछो उनके कलेजे से, उनका कलेजा कांप रहा है, कलेजा फटा हुआ है, आंखें नम है, खोज रहे हैं जवान। खोजले सिपाही मिलके रतिया बिरतिया मिले नहीं दे सवा कयन मोल थतिया 22 गोलास मिलल अरे रविवार दिनवा 22 जवानों की लाश, डेड बॉडी, शहीद जवानों की डेड बॉडी 22 जवानों की मिलती है। पूरे देश में ये बात आग के तरफ फैली हुई है। 22 को लाश मिलल रविवार दिनवा अरे भैली खुलासा सारी बतिया अरे हिडमा सुजाता नाता घटना से जुड़ले हिडमा सुजाता नाता घटना से जुड़ले तहसत कले के बरातिया हिडमा सुजाता नाता घटना से जुड़ले तहसत कले के बरातिया हिडमा सुजाता नाता घटना से जुड़ले तहसत कले के बा घटना चारों तरफ। ये देश में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान के वासी जो स्कॉटलैंड, मॉरिशस, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, मॉरिशस जैसे देशों में रहते हैं, अमेरिका जैसे देशों में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, सवाल इस बात का है जब देश का लोकतंत्र का, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव हो रहा था, अभी पिछला, उससे भी पिछला, लोकतंत्र के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति बड़े बड़े सभाओं में लच्छेदार भाषणों में केवल ये कहा करते थे, साथियों एक सर कटेगा हम 10 सर काट के लाएंगे। आप याद करो, याद करो आप पुलवामा की घटना जहां हमारे 47 जवान मारे गए थे। आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी हमारे पास है, इस देश का वासी हूं, बुराई नहीं करता, लेकिन आपके भाषा पर, आपके दिए गए भाषणों पर, आपके दिए गए बयानों पर मैं सवाल करना चाहता हूं। 50 ग्राम आरडीएक्स कहां है आप पता लगवा लेते हो, लेकिन 2.5 क्विंटल आरडीएक्स एक्सयूवी गाड़ी में, अपराधी ये भी जानते हैं कि कौन सा बस बुलेट प्रूफ नहीं है, उस बुलेट प्रूफ बस में ला करके टक्कर मारते हैं, 47 जवान मारे गए और 2.5 क्विंटल बारूद कहां से आई आज तक पता नहीं लगा। तीव्र गति की जांच आपने कराने का वादा किया था, कहां ले जाकर के बम गिरवाए, हमारे तो जवानों की लाशें, हमारे जवानों की डेड बॉडी उन परिवार वालों के घर तक आई थी, लेकिन आपका गिराया हुआ बम किसी दुश्मन के ऊपर गिरा,
कि किसी पोखरे में गिरा कि किसी पहाड़ में गिरा, इसकी कोई आज तक गारंटी नहीं है। बाबा सवाल है देश के हुक्मरानों से, याद रखो ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं हुआ करती। ये जनता आपको देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाई है। यह देश लोकतंत्र का है, कभी यह देश दूसरे तंत्र का हुआ करता था, उस समय भी राजा हुआ करते थे, लेकिन इतिहास उठा के पढ़ लेना, लड़ने वालों का ही इतिहास लिखा गया है, बिना लड़ने वाले विलुप्त हो रहे, कोई नाम तक नहीं लेता है। साथियों, जवानों की लाशें घर आनी चालू हुई, घटना को थोड़ा समय दूसरे तरफ मोड़ता हूं। अयोध्या, जिनके नाम पे आप राजनीति करते हो, प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी, वहां का एक नौजवान, एक फौजी जवान जिसका नाम राजकुमार, और हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर का रहने वाला एक जवान जनपद चंदौली का जिसका नाम धर्मदेव, अखबारों ने प्रमुखता से इन दोनों जवानों के नाम को छापा था। कारण यह है कि जो जिस स्टेट का था, जो जिस जनपद का था, जिस स्टेट के, वहां के मीडिया के लोगों ने प्रमुखता से उस जवान के शहीद होने के खबर को छापा था, अखबार में निकाला था, टीवी में चला होगा, लेकिन चंदौली का एक जवान शहीद हुआ। पूरा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश शोक की लहर में है कि नक्सलियों का शिकार हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई, हमारा एक नौजवान साथी हुआ है। लाश घर आएगी, ये सूचना मिल चुकी है, दरवाजे पर हजारों लोग इकट्ठे हैं, पॉलिटिकल लोगों से लेकर के, सामाजिक लोगों से लेकर के, संगीतकार, पत्रकार और तमाम लोग दरवाजे पर खड़े हैं। कहना है कैसे मास्टर? चंदौली का चांद डूबल, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है चंदौली, उस चंदौली का एक जवान था, नाम क्या था? चंदौली का चांद डूबल जो गुंडा पहाड़िया में, चंदौली का चांद डूबल जो गुंडा पहाड़िया में, नौआ जे कर धरम देव हो, चंदौली का चांद डूबल जो गुंडा पहाड़िया में, नौआ जे कर चंदौली का चांद डूबल सेवा खातिर वर्दी पहिरले रहले, देशवा के सेवा खातिर वर्दी पहिरले रहले, मौत पाई गईले करम देव हो, देशवा के वर्दी पहिरले रहले, मौत पाई गईले करम फौज की गाड़ी में डेड बॉडी, फौज के साथियों के साथ, जवानों के साथ, डीएम दरवाजे पर, कप्तान, शासन प्रशासन उस फौज के डेड बॉडी के आने के इंतजार में है। पूरा चंदौली, पूरा चंदौली दरवाजे पर इकट्ठा है उस शवयात्रा में शामिल होने के लिए। हमारे नेता, चंदौली के समाजवादी पार्टी के सभी नेता, अन्य दलों के भी नेता, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के विधायक, पूर्व विधायक से लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आदरणीय मनोज सिंह का भी दरवाजे पर मौजूद है। पूरा बनारस की टीम मौजूद है, पूर्वांचल का हर एक व्यक्ति शोक की लहर में डूबा हुआ है। लेकिन घरवा का हालत कहा है भैया?
बाप महतारी रोवे बचपन का सथिया हो ओढ़ी के तिरंगा कैसन ले आइला बरतिया हो। लोग रो रहे हैं, उसके साथ के नौजवान जो उसके साथ तैयारी करते थे भर्ती की, आता था जब धर्मदेव तो अपने उन्हीं नौजवान साथियों के साथ चौराहे पर कहीं जाना हो दो चार साथियों के साथ जाता था, सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं। बाप महतारी रोवे बचपन का सथिया हो ओढ़ी के तिरंगा लैला कैसन बरतिया हो। अरे कैसे तुहार बल हीना हो गईले हो, कैसे तुहार बल हीना हो गईले हो, फौजी तू रहला बल देवा हो, कैसे तुहार बल हीना हो गईले हो, फौजी तू रहला बल देवा हो। आज चारों तरफ गम की बदरी छाई हुई है, शोक की लहर है। इस देश में जवानों की जान क्या इतनी सस्ती हो गई? जब आतंकवादी चाहे, जब उग्रवादी चाहे, जब नक्सलवादी चाहे, हमारे जवानों के सीने को भेद देता है। लेकिन साहब हम जवानों के साथ हैं, ये पूरा देश भारत के जवानों के साथ है। लेकिन एक चीज ए भैया, जेकर बेटा चल जाई, जेकर भाई चल जाई, जेकर बाप चल जाई, और जौने मतारी का गोद सुनी हो जाई, दुनिया का कुल रकम दे देबा, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा घर द्वार दुनिया का कितनों बढ़न सुख सुविधा दे देबा, शायद ओकरे जिंदगी का वो खुशी फिर कबो वापस लौट के ना आई। कभी का कलम देश के हुकूमत में बैठने वाले लोगों से सवाल करती है। बिरा में पापड़ लगल टुन्नू मास्टर, अरे रोवे धोवे, अरे रोवे धोवे से कुछ ना कटी कलेश देश के बासिंदो, अरे रोवे धोवे से ना कटी कलेश देश के बासिंदो, कसो कमरे और धरो याद का भेस देश के बासिंदो। चिता तुम्हारी भूख रहा भाई, देखा भैया ललकार है, चैलेंज है, देश के हुक्मरानों को संदेश भी है। किसका? लिखने वाले कवि के कलम का, एक कलमकार का, एक गायक का, एक साहित्यकार का ये संदेश है। संदेश अगर आप बहुत बड़े हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, तो मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? जो चिता तुम्हारी भूख रहा, अरे जब उसकी चिता जलाओगे, अरे नक्सलवाद और उग्रवाद को ए भैया जड़ से तभी मिटाओगे, अरे अब आओ ना, अरे अब आओ ना, सराफत से देश देश के बासिंदो, नहीं तो हर दम रोता रहेगा देश देश के बासिंदो। फौजी जवान बाबा, एक चीज तो तय है, फौज में किसी मंत्री का,
किसी विधायक का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी एमपी और एमएलए का बेटा नहीं जाता भर्ती होने के लिए। फौज में अगर जाता है, खेत में हल चलाने वाले किसान का बेटा जाता है, भर्ती का सीना चीर कर, अन्न उपराज कर, देश का पेट भरने वाला किसान अपने बेटा को जब फौज में भेजता है तो याद है आपको? बार बार ये सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? बाबा, याद है आपको? जब घर से जाता है तो उसकी माँ 1 किलो चना का भुजा, 1.5 किलो लाई बांध के तिले का, इतने ना 1-1.5 किलो गुड़, इतने ना रिक्शा चलाए वाला का बेटा होई, खेत में हल चलाए वाला का बेटा अगर फौजी होई, जूता सीए वाला, ठेला चलाए वाला का बेटा फौजी अगर होई, भर्ती हो गए अगर ट्रेनिंग में जाता, कहीं ना कहीं से रुपया पैसा नहीं के तब वो कर्जा खोज के 2-4 किलो घी लोग जरूर अपने बेटा बेटी के देला। हमार बाबू ट्रेनिंग में जाई, शरीर पर लोड पड़ी, जोर पड़ी, हमार बाबू खाई। 2 दिन अगर फौजी अपने घर माँ बाप से बात नहीं करता है तो माँ बाप का कलेजा नम होना चालू हो जाता है। एक आध टाइम का भोजन छूट जाला, लेकिन क्या देश केवल शहादत देता रहेगा? देश केवल अपना बलिदान देता रहेगा? देश केवल जवानों को शहादत देखने के लिए खड़ा है? नहीं, यह देश, यह भारत वह भारत है जहां हंसते हुए फांसी के फंदे पे सरदार भगत सिंह जैसा व्यक्ति चढ़ा था, अशफाक उल्ला खां जैसा व्यक्ति चढ़ा था। इस देश में जाति और मजहब को दरकिनार करके देश की आजादी की लड़ाई भारत के लोगों ने लड़ा था। इसलिए लड़ा था कि देश जब आजाद होगा, हमें आजादी मिलेगी, बराबर का हक होगा, हमारे जवानों के हाथों को बांधा न जाए, हमारे जवानों को समुचित व्यवस्था दिया जाए। जवान अगर टाइट होकर के अपनी बात कह देता है, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसी देश का एक जवान, नाम नहीं लेना चाहता हूं, दुनिया जानती है, केवल ये कह दिया कि फौज में अच्छी दाल खाने को नहीं मिल रही है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये सरकारें हैं साहब, एमपी एमएलए और देश के बड़े से बड़े हुक्मरानों से बड़ी एक फौजियों के जान की कीमत होती है। निरा के आल्हा में कभी जी लिखलन का लिखलन, ए भैया वो छत्तीसगढ़ में शहीद 22 जवानन के बारे में कभी का कलम लिखलस? अरे फौज के बजरिया में, अरे फौज के बजरिया में मौत खरीदाइल भैया, अरे नक्सलियन से जुड़ल बाटे कहवा कतार, ये सवाल बिरहा सुनने वाले लोगों से नहीं कर रहा हूं, पता लगाओ देश के हुक्मरानों की नक्सलियों को सह कौन दे रहा है। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन ये खबर आ गई कि ट्रैक्टर टाली वहीं के रहने वाले लोगों के द्वारा खरीद के नक्सलियों को दिया गया था, मोटरसाइकिल खरीद के देने की तैयारी थी। अब मैं नाम ले लूंगा, अगर सही बोल दूंगा तो उसी तरह मैं बदनाम हूं, आप लोग कहेंगे कि ये पर्टिकुलर बात करता है। एक नेता, किस पार्टी का नेता है ये दुनिया जान रही है, उसके द्वारा खरीद के दिया गया था। तमाशा बनाते हो आप देश में, दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। याद रखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, अरे मोस्ट वांटेड नक्सली, मोस्ट वांटेड नक्सली गोरिल्ला टीमिया के बाबू, अरे घाटी में बहावले पपिया
सीमावा पदू सुमन का सीमावा कदू सुमन का बहरे कहुए भैया छत्तीसगढ़ का नक्सली कहावा भैले तैयार चलो हम मान लेते हैं कि सरहद के उस पार का आतंकवादी जब गोली चलाता है वो दूसरे देश का है, वो मेरा दुश्मन है, उससे हमारी दुश्मनी है, हम उससे निपट रहे हैं, निपटेंगे, चाहे जैसे होगा निपटेंगे। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसान की है? ये जिम्मेदारी बेरोजगार नौजवान की है? नहीं है। ये जिम्मेदारी सत्ता में बैठे देश में राज करने वाले लोगों की है कि आपको पता लगाना पड़ेगा उन नक्सलियों का तार कहां से जुड़ा हुआ है, नक्सली कैसे अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तनी हाई देखा ये भैया, फिर हमारे गया कभी का कलम खड़ा होकर सवाल का दिहलस के कबले फौजिया आ कबले फौजिया राई दे सवा में बाबू अरे करना होगा इस सब पे पूरा देश को विचार वही दिन तो छतिए फाट गई पूरा पूर्वांचल का अरे आइल चंदौली जब आइल चंदौली जब जवान का शरीरिया भैया हजारों की भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग मातम मना रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में, हजारों की संख्या में नौजवान आगे आगे, पिकअप एक गाड़ी है, उस जवान की शव यात्रा जा रही है तिरंगे झंडे में लपेटी हुई लाश, और उस पिकअप गाड़ी में गांव के नौजवान धर्मदेव के साथी बैनर बनवा करके आगे लगाए हैं, साउंड बॉक्स लगाए हैं, साउंड बॉक्स पे डीजे तो जरूर लिखा है लेकिन जो गीत बज रही है कलेजे को चीर दे रही है। उस साउंड बॉक्स से एक आवाज आ रही थी अरे गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करोगी क्या मेरे गांव जा मेरे माँ को ये तू पयाम दे मैं वापस आऊंगा हरे मैदानों में खेत खलिहानों में पिपल के छाओ में अरे मैदानों में किया जो आता था वो निभाऊंगा आंखें सबकी नम है पूरा मौजूद वहां पर हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू चलना चालू होता है। कुछ ही दिन तो हुआ था शादी हुए वो पत्नी अच्छा आप देखे होंगे ये बिरहा को मैं यथार्थ में थोड़ा सा ले जा रहा हूं। जब किसी फौजी की डेड बॉडी दरवाजे पर आती है उसके पत्नी को उस डेड बॉडी के पास बुलाई जाती है हाथों से चूड़ियां निकाली जाती है। आप देखे होंगे गले का मंगलसूत्र तोड़ा जाता है। औरतें घर की औरतें उसके सिंदूर को धुलती हैं। आप कल्पना किए होंगे कि जब किसी लड़की की शादी होती है जब वो सुहागन होती है तब से वो पत्नी कहलाना चालू करती है। उस समय उसके दिल में क्या अरमान रहते होंगे और जब उसको ये पता चले कि आज के बाद जिस व्यक्ति के नाम का सिंदूर मैं अपने मांग में लगाती हूं
सदा सदा के लिए सो गया है, फिर कभी मेरे साथ बैठ के न बातें कर सकता, न मेरे लिए कुछ बाजार से खरीद के ला सकता, न मेरे साथ कहीं जा सकता। पत्नी रो रही है, माँ बाप रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। सवाल ये नहीं है, रोना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। जब किसी परिवार का एक व्यक्ति सदा सदा के लिए अलविदा होगा तो अगल बगल के लोगों का कलेजा नम हो जाता है। लेकिन बिरहा के खड़ी में कभी बहुत बड़ी बात लिख दिया, सवाल हा कभी का, देश को चलाने वालों। मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूँ, बार बार टी पॉइंट पे मैं जरूर पत्थर मारूंगा। मैं सवाल आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? सवाल थाने के दरोगा से नहीं कर सकता। सवाल तो आप वजीरे आला हो, और जब तक उस कुर्सी पर आप हो, धर्मेंद्र सोलंकी का सवाल आपसे रहेगा। बिरहा के खड़ी में गया कभी का सवाल है, का सवाल है बाबू? अरे खौफ ज्यादा का दुनिया से, कब करबो फैसला? अरे ये कदिन टूटी हमारी देशवा के हिम्मत कहो सलाह। देखो है असली लाइन, यह लाइन या तो चोट करी, इस सीख ना, एक सीख कहो तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी मेरे लिए। ये संदेश है और सुझाव भी नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं छोटा आदमी हूं, आप देश चला रहे हो। लेकिन निवेदन है धर्मेंद्र सोलंकी का आपसे, क्या? अरे गोली का जवाब कबले बोली से दी आई, अरे गोली का जवाब कबले बोली से दी आई, अरे मांग है हमारी बदला गोली से ली आई। सलाम है, सैल्यूट है, सत नमन है उन जवानों को जो प्राणों की बाजी लगाकर अपने आप को सदा सदा के लिए समर्पित होकर मातृभूमि की गोदी में मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन चेहरे पे जंग के दौरान या किसी अचानक हमले के दौरान उनके चेहरे पे सिकन नहीं होती है। हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, हम नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब दें। अब समय आ गया, आपके पास सारी तंत्र हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री जी आप आते हैं टेलीविजन पे, मन की बात करते हैं, कभी जन की बात कर लिया करिए, कभी फौजियों की बात कर लिया करिए, कभी देश के किसानों की बात कर लिया करिए। यह वतन आपसे बड़े उम्मीद के साथ इस आशा भरी नजरों से देख रहा है कि किस दिन ये लाइन आप पढ़ेंगे, किस दिन ये पंक्ति आप पढ़ेंगे। कविता पढ़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन अपने बातों पे अमल करना इस देश में कोई कोई करता है। हम सलाम करते हुए उन जवानों को सशस्त्र नमन करते हैं। बिरहा मेरा खत्म हुआ, अंतिम लाइन के बाद कैसे गुरु बिहारी गुरु गणेश, धन्य मेरे वीर जवान, स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल का गीत चढ़ल असमान। अरे घाटी में खूनी शाम हो गई, अरे घाटी में खूनी शाम हो गई, अरे सोलंकी गया कभी या।